नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। और लास्ट हमारा जो वीडियो आपने देखा होगा, जहाँ पे हमने बताया था कि हाउ टू एंड वेयर इनपुट कोड, मतलब कि कोड कहाँ पे डाल सकते हैं और कैसे, वो भी बताया था। और थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिक आपको थ्योरिकल समझाया था। तो उसी वीडियो में मैं यही चीज़ भी बता रही थी कि मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है, ये इस टॉपिक पर आने वाला है। फिलहाल आज का जो वीडियो होने वाला है, इस टॉपिक पर होने वाला है कि बल्ब का जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बल्ब ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे जो और भी है बेसिक एग्जांपल, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोटेज हम यूज़ कर सकते हो या डबल कर सकते हो, वो हमने बताना है। और साथ साथ में इनलाइन सीएसएस कैसे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में बल्ब प्रैक्टिकल दिखाए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ पहले बेसिक दिखा दी है, छोटी छोटी चीज़ें, उसके बाद ये बल्ब प्रैक्टिकल हम देख लेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे आउटपुट्स का वे, मतलब कैसे आउटपुट लाना होता है जावास्क्रिप्ट में, वही हम देखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो ये टॉपिक पे होने वाला है। अगर आपको ये आता है तो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आज तक देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और भी अगर रिपीट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल की ओर जाते हैं। सर दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं, हमने फाइल भी बना ली है, जहाँ पे देख सकते हो इनलाइन सी एस एस इन जे एस एंड बल्ब प्रैक्टिकल, ये दो लिखे, बाकी और भी दो दिखाने वाले, वो तो अभी नहीं लिखे, इसमें जाने देते, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आप इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमें छोटा सा जो चीज़ दिखानी है वो इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेगा, ठीक है। सबसे पहले एक पी टैग लेके या फिर कोई भी टैग लेके आप क्लास बना सकते हो, जैसे कि मैं इसमें क्लास कर देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू कंटेंट, कंटेंट डाल देते हैं, क्लास इसमें नाम दे देते हैं और थोड़ा बहुत कंटेंट डाल देते हैं, टेक्नोनीट टेक्नो ने YouTube चैनल, राइट। ये अभी इस तरह से लिखा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टेक्नो नेर ही लिखते हैं, बाकी का कंटेंट बाद में लिखेंगे। तो ये क्यों बाद में आता है पता नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है। और एक कंटेंट का क्लास बनाया, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ एक बटन बनाएंगे, यहाँ पे बटन बना लेते हैं, दिमाग का दही करता है ये, पता नहीं क्या आ रहा है बट अपडेट का आ रहा है ऑब्वियसली। तो बटन बटन बना लेंगे और यहाँ पे टाइप को बटन कर देते हैं, सभी भी कर सकते लेकिन बटन कर सकते हैं, यहाँ पे बटन कर दिया, ठीक है। तो एक बटन बन चुका है और इसमें नाम डाल देते हैं, क्लिक मी या फिर क्लिक हियर लिख सकते हो, क्लिक हियर क्लिक मी लिख दिया, ठीक है। क्लिक मी, यहाँ पे मैंने क्लिक मी लिया, तो ये क्लिक मी का एक बटन आ चुका है जहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टेक्नोनी लिखा है, ठीक है, वहाँ पे मैं एक कंटेंट डालना चाहता हूँ। फिलहाल मैं नीचे लिख देता हूँ हेलो, फिलहाल इस टाइम लिखता हूँ, ठीक है, हेलो हेलो टेक्नो नीर यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये मैं लिखना चाहता हूँ, एक्चुअली ये मैसेज पास होना चाहिए टेक्नो नीर की जगह, जहाँ पे टेक्नो नीर लिखा है उसकी जगह ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल आ जाएगा, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, इसको कॉपी पेस्ट करके रखते हैं ताकि यहाँ पे निकाल देते बाद में, ये वैसे अभी तक आना नहीं चाहिए साइड में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे टेक्नोनेट की जगह यहाँ पे आना चाहिए मैसेज, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ करिए, देखिए ये तो हमें एचटीएमएल क्रिएट कर दिया, बट अब स्टार्ट करें जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट आईडी का यूज़ करेंगे, देखिए हमने सॉरी क्लास है तो यहाँ पे हम आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी का यूज़ करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम आईडी का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे आईडी था शायद, देख लेते हैं, बाकी क्लास भी आता है लेकिन मैं अभी आईडी दिखा रहा हूँ, तो आईडी का हम देखेंगे, ठीक है। बाकी क्लास वगैरह ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट आईडी टैग का यूज़ कर सकते हो, फिर एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ होता है मतलब, ठीक है। जैसे मैंने आपको आज सीखा तो जाओगा, वैसे आपको ये सारे डाउट्स क्लियर कर जाओगा। फिलहाल मैं आईडी का यूज़ कर रहा हूँ, क्लास का नहीं। तो अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट जो पास करवानी है, ऑन क्लिक, जब ऑन क्लिक हो यहाँ पे ऑन क्लिक। अब जब बटन पे क्लिक हो, ऑन क्लिक मतलब जब बटन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको अब यूज़ करना है गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा यूज़ करें गेट एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट कैपिटल में एलिमेंट लिखना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, एक बार चेक कर लेना है। तो हल्का सा यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ स्मॉल में, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सिंगल आपको जो
ब्रेक्स है, सिंपल ब्रेक्स, ठीक है, छोटा वाला, तो वहाँ पे यूज़ करना, और इसमें सिंगल कोट यूज़ करना, और यहाँ पे आपको आईडी कौन से डालनी है, आईडी ये डालोगे आप, राइट, यहाँ पे चेंज करना है, टेक्नोनिक जहाँ पे लिखा वहाँ पे चेंज करना है, तो ऑब्वियसली हम इसकी आईडी डाल देते हैं, कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है, बट ये कंटेंट आईडी है कहाँ पे, ऑब्वियसली डॉट इनर, सॉरी एचटीएमएल में, तो यहाँ पे डॉट करके आपको लिखना है इनर और कैपिटल में HTML, ठीक है, HTML लिख दीजिए, ये हो चुका। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करते कुछ होगा, मैं आपको एक बार कंफर्मेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने मैसेज पास ही नहीं करवाया, ठीक है, तो इसलिए, तो मैसेज क्या, अब मैसेज पास करा दे, मैसेज पास हमने जो अभी पहले बताया वो मैसेज करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल से यहाँ पे इज इक्वल टू करना है, और वो सिंगल कोट में मैसेज हम पेस्ट कर देते, तो यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करेंगे और इसमें मैसेज पास करेंगे, कंट्रोल वी करके हम वो मैसेज हमने डाल दिया, ये कि हेलो टेक्नोनीर यूट्यूब चैनल, और ये जो डबल कोट है वो ख़त्म हो चुका है ये यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, और मैं चाहूँ तो इसको एक बार फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह, ठीक है, यहाँ पे जूम करके दिखाया था ताकि पूरा कोड आपको सही दिख जाए, ये दिखी, राइट, मतलब फुल साइज में। यहाँ पे मैंने क्या किया, पी लिया, पी के अंदर आईडी डाली, कंटेंट जिसमें एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये टेक्स्ट है, और एक ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो कि आप डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट दिख रहा है, राइट, बट यहाँ पे मैं अभी जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, तो बटन है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, बटन टाइप बना लिया, एक बटन बना दिया क्लिक मी का, यहाँ पे लिखा है क्लिक मी, बटन बना लिया, यहाँ पे एंडिंग होता, बट जब बटन पे क्लिक हो तब यहाँ पे आईडी पास होनी चाहिए, मतलब कि कुछ इवेंट पास होना चाहिए। अब इवेंट कौन सा पास होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट करो एलिमेंट बाय आईडी, मतलब आईडी गेट करो कहाँ से, तो एलिमेंट से आईडी गेट करो, और कौन सी आईडी, मतलब कि कंटेंट, तो आईडी का नाम कंटेंट है, मतलब यहाँ पे कंटेंट पहले नहीं था बट कंटेंट यहाँ पे था, तो कौन सी आईडी, तो ऑब्वियसली कंटेंट यहाँ पे था, तो हम कंटेंट यहाँ पे डालेंगे सिंगल कोट में, डॉट ये है कहाँ पे, तो ऑब्वियसली एचटीएमएल में, तो इनर एचटीएमएल, मतलब इनर एचटीएमएल के अंदर, इनर मीन्स अंदर, तो एचटीएमएल के अंदर जहाँ पे ये कंटेंट वाली आईडी है वहाँ पे ये मैसेज पास करो जब क्लिक होता है तब, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट करा है, ठीक है, तो ये दिन ध्यान रखना, बस खत्म हो चुका। अब कंट्रोल एस करते हैं और इसको हल्का सा मिनिमाइज कर देते हैं वापस, कहाँ गया आउटपुट, ये देखिए, ठीक, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी नॉर्मल मोड में क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ तो हेलो टेक्नोनीर यूट्यूब चैनल आ चुका, राइट, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्नोनीर लिखा था बाय डिफॉल्ट, जहाँ पे हमने CSS का जब क्लिक होगा इवेंट लगाया वहाँ पे वो मैसेज पास करवाया, तो यहाँ पे आ चुका है हेलो टेक्नोनीर यूट्यूब चैनल, फाइनली फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट। जी हाँ, तो सीख लिया आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, यहाँ से अभी ऐसे ही यूज़ होगा आगे, बट ये तो बेसिक है, बट एडवांस आएगा, बट ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है, इनर एचटीएमएल का वगैरह ये यूज़ होगा, आईडी होगा, क्लास होगा, एलिमेंट, बहुत कुछ यूज होगा, तो ये है फर्स्ट प्रैक्टिकल, मतलब एलिमेंट आईडी का यूज़ कैसे कर सकते हो इन एलिमेंट से, तो ये हो चुका गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब नेक्स्ट टेक लेते हैं हमारा कौन सा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन, राइट, तो यहाँ पे सिंगल तो हमने यूज़ कर दिया, ये देख सकते हो सिंगल यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे मैसेज पास होगा, लेकिन एक गलती हमने शायद यहाँ पे करी है कि यहाँ पे जो गेट एलिमेंट डायरेक्ट भी कर दिया और मैसेज पास हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको एक गलती नहीं करनी है जो हमने स्टार्टिंग में कर दी है, कि सिंपल से आपको डॉक्यूमेंट डॉट जैसे करेंगे, ये देखिए मैंने लिखा था पहले, मतलब डायरेक्ट लिखा था तो वो नीचे शो नहीं कर रहा था, ठीक है, बट आप जब डॉक्यूमेंट डॉट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट के बाद देखिए डॉक्यूमेंट जैसे लिखा उसके बाद डॉट करना है, जैसे डॉट करेंगे तो यहाँ पे गेट जैसे लिखेंगे तो आपको बाकी जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं, मतलब एलिमेंट्स यूज होते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, क्लास नेम, नेम, टैग नेम, टैग एनएस, ये सब कुछ यूज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लास वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, मैं आईडी का यूज़ करूँ, बट आपको ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट जरूर यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट में, मोस्टली डायरेक्ट भी हो गया नो डाउट, ये इवेंट पास कर देगा, लेकिन आप मोस्टली ये अच्छी आदत है कि डॉक्यूमेंट जरूर कीजिए, डॉक्यूमेंट का जरूर है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ये जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये गेट एलिमेंट आईडी होगी, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट पास कर दी, लेकिन डॉक्यूमेंट अंदर से लेना है, ठीक है, हमें इसलिए, ठीक है, तो ये हो चुका, कंट्रोल एस करते हैं तो आप वापस पास करते हैं, तो ये हो जाएगा वापस भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट डॉक्यूमेंट से अंदर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब आईडी ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट लिखना जरूरी है, तो ये हो चुका। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया सिंगल कोट डबल कोट, तो डायरेक्ट अगर सिंगल कोट डबल कोट कर देते हो यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ यहाँ पे, और कंटेंट को भी निकाल देता, ठीक है, और डायरेक्ट हम यूज करते तो एरर आ जाएगी, देख लेना यहाँ पे डबल कोट, यहाँ पे एरर आ चुकी, क्यों एरर आ चुकी, क्योंकि हमने आगे जो है
यहाँ पे डबल कोट यूज कर रहा है, अब ये उल्टा करेगा, मतलब कि पहले क्या था हमने डबल यहाँ पे यूज किया था, सिंगल इधर किया था, और बाकी यहाँ पे जो मैसेज पास किया था वहाँ पे भी सिंगल यूज किया था, ठीक है। तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंगल करता हूँ, सिंगल कर देता हूँ, ठीक है, और ये सिंगल किया, जैसे सिंगल किया तो यहाँ पे रेड कलर चला गया, और लास्ट में भी हमने सिंगल यहाँ पे डबल था तो उसको क्लोजिंग कर देता है, जैसे कि ये रहा, ये इसको ये क्लोजिंग के लिए रखते हैं और यहाँ पे डबल कर देते हैं, ये डबल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल सिंगल कोटेशन यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे डबल रखते हैं, और यहाँ पे ये जो है सिंगल की जगह डबल कर देते हैं, यहाँ पे डबल, तो ये प्रॉपर मैसेज आ चुका। और इसके अंदर अब कंटेंट डबल मतलब डबल यूज़ कर दिया, राइट, तो फिर यहाँ पे कंटेंट पास कर देंगे वापस, कंटेंट यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पे और वापस क्लिक भी करते हैं तो फिर से वो मैसेज पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कोटेशन भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो और डबल भी यूज़ कर सकते हो, बट इसका उल्टा कर देना, मतलब जहाँ पे सिंगल यहाँ पे कराए तो यहाँ पे डबल आएगा और मैसेज में भी यहाँ पे डबल आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैसेज में भी डबल है, ठीक है, और एंडिंग तो सिंगल है, बट अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आप डबल करते हो, जैसे कि यहाँ पे सिंगल की जगह डबल करते हो, तो फिर अंदर सिंगल आएगा, एक साथ आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे भी सिंगल आएगा अगर आगे डबल किया है तो, और मैसेज में भी सिंगल आएगा। तो ये हो चुका गेट एलिमेंट बाय आईडी, और साथ साथ में सिंगल कोट और डबल कोट का मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस, सॉरी राइट ऑन इनलाइन सीएसएस, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में सीएसएस कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे इसको आप बंद करते हैं यहाँ पे और सीएसएस लगाते हैं, मतलब अंदर ये जो है इसमें सीएसएस लगाते हैं। जैसे कि मान के चलो मुझे इसमें फॉन्ट कलर फॉन्ट को इंक्रीज करना है, ये जो हमारा टेक्स्ट मैसेज है अभी छोटा लग रहा है, ठीक है, इसको फॉन्ट को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे जो एचटीएमएल है उसकी जगह आप लिख दीजिए डॉट स्टाइल, स्टाइल लिख दीजिए। अब स्टाइल लिखने के बाद सिंपल सा आपको क्या चेंज करना है, जैसे कि मैं स्टाइल मैंने लगा दिया चेंज स्टाइल डॉट, तो यहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिल जाते हैं, मतलब आपको क्या करना है वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना, ओरिजिन, ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है जो कि हमने एचटीएमएल में दिखा दी। जिसके हम बैकग्राउंड कलर की बात करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, तो सिंगल यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपल से आपको इज इक्वल टू लगा के सिंगल कोट में यहाँ पे सिंगल कोट यहाँ पे यूज करा, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको अब इसकी मैसेज में पास नहीं करना, हमें जो टेक्नो दे वहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो इसको निकाल देते, ठीक है, यहाँ से इस तरह निकाल देते हैं यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे हम डबल कोट यूज़ कर देंगे, ठीक है, ये डबल कोट यूज़ कर दिया, और बाहर तो हमें सिंगल कोट होगा बंद करने के लिए, ठीक है, तो ये हो चुका। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर, तो कौन सा कलर, रेड करेंगे, रेड करेंगे, अब कंट्रोल एस करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, मतलब बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो चुकी। और यहाँ पे फॉन्ट कलर अगर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है तो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ कलर लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ कलर, यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर लिखा और यहाँ पे कलर रेड, तो ऑब्वियसली वाइट, यहाँ पे ब्लैक नहीं येलो कर देते हैं, एक काम करते ब्लू कर देते हैं, ब्लू, तो ये कर दिया कंट्रोल एस, तो सिर्फ कलर ये होगा जब क्लिक होगा तब, क्योंकि हमने क्लिक इवेंट लगाया, तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया देख सकते हो ब्लू आ चुका है। तो इस तरह से कलर भी आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ कलर मतलब टेक्स्ट कलर, यहाँ पे फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, फॉन्ट यहाँ पे फॉन्ट साइज, और जैसे कि इसका नॉर्मल की जगह हम 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया कंट्रोल एस, तो अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये बिग साइज में आ जाएगी, टेक्नोलॉजी बिग साइज में आ चुका, ठीक है। तो वैसे इनलाइन सीएसएस भी आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, जैसे करना है आप पे डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद ये अगर इसको हटाना है, मतलब कि क्लिक करने के बाद भी कुछ मैसेज मतलब दिखाई नहीं दे, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे यूज़ करा ऊपर तो वो दिखाई दे रहा है, मतलब ये अभी देखिए इसमें है, बट हम यहाँ पे सीएसएस का यूज़ करके इसको हटा दे तो वो भी हटा सकते हो। क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हल्का सा हमें चेंज करना है डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, क्योंकि डिस्प्ले नन, और डिस्प्ले नन करेंगे तो ये हट जाएगा, कहाँ गया यार, बैक क्या हो रहा है, ओके ये रहा, आप यहाँ पे नन कर दो, तो जब हम क्लिक करते हैं तो वो अभी दिख रहा है, लेकिन जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो हट जाएगा, मतलब कि टेक्स्ट हट जाएगा। अगर दिखाना है तो फिर सिंपल से ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले सिखा दिया है कि आपको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, ब्लॉक कर दो तो दिखाएगा एक साथ, मतलब कि जैसे यहाँ पे दिखे दिखा रहा है, मैं क्लिक करता हूँ तो भी दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब कि पहले भी दिखा रहा और क्लिक करते तो भी दिखा रहा, मतलब इसमें ब्लॉक मतलब पहले से दिखा रहा मतलब, ठीक है, जब हम पहले प्रॉपर्टी यूज़ की वो उसके लिए ब्लॉक हो तो बेहतर रहेगा।
तो ये जो चीज़ हो चुकी, मतलब चीज नहीं बट चीज़ हो चुकी कि CSS भी इस तरह से लगा सकते हो। बेसिक में CSS लगाया, आप बैकग्राउंड कलर और भी बहुत CSS जो हमने पहले से भी आपको सिखा रखी है वो यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आपको यूज़ करना है। बट कोट, सिंगल कोट्स, कोटेशन एंड डबल कोटेशन में ध्यान रखिए कि अगर आप स्टार्टिंग में सिंगल करते हो तो अंदर डबल आएगा और स्टार्टिंग में डबल करते हो तो अंदर सिंगल आएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल होगा शायद, राइट, बल्ब प्रैक्टिकल वो देख लेते हैं। तो अब इसको ना यहाँ से पूरा का पूरा कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिकल का एक अलग CSS सॉरी कोडिंग बन जाए, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हट जाए, ये क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल जाते हैं, कमेंट करते हैं यहाँ पे और बल्ब प्रैक्टिकल का यहाँ पे ले लेते हैं कमेंट, प्रैक्टिकल, बल्ब प्रैक्टिकल, राइट। तो यहाँ पे बल्ब प्रैक्टिकल आ चुका है और यहाँ पे सिंपल सा हम इसको नीचे ले लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है बल्ब की, जहाँ पे GIF है, इमेज नहीं सॉरी GIF है, आपको मैं दिखा रहता हूँ। ये GIF है और आपको इंटरनेट से इजी मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, मतलब गूगल से। तो ये बल्ब का एक इमेज इस तरह GIF आपको ले लेनी है, जहाँ पे मैंने जहाँ पे फाइल पड़ी है उसके साइड में ही रख दिया, ठीक है। अब जाते हैं वहाँ पे कोडिंग में। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि दो बटन लेते हैं, एक बटन लेते हैं और अब के लिए और ये बटन लेते हैं, ठीक है। एक बटन और ले लेते हैं, बटन यहाँ पे मैं बटन बटन राइट, ये दूसरा बटन आ चुका। और इमेज यहाँ पे ले ले, यहाँ पे बीच में ले ले, कहीं पे भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो IMG ले गए, मतलब इमेज मीन्स वो वाला सोर्स हमारा, तो क्या नाम था उसका, बल्ब, ये बल्ब GIF को यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे वो बल्ब वाला आ जाएगा, दो बटन आ जाएंगे। तो बटन का नाम दे लेते हैं ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे डाल देते हैं ऑन एंड ऑफ। तो यह आ चुका ऑन का और ऑफ का। तो आप जैसे भी आपको डिजाइन करना हो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं CSS का यूज़ कर सकता, CSS का मतलब सॉरी JavaScript का यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़्यादा हम इसमें डिजाइन वगैरह नहीं करेंगे, ये बीच में लाना है या फिर इसमें बटन में बढ़िया डिजाइन करना है, बल्ब में बढ़िया डिजाइन करना है, वो कर सकते हो। फिलहाल मैं CSS आपको सॉरी या CSS दिमाग का देकर मैं आपको यहाँ पे JavaScript सिखा रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा हम यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे JavaScript। JavaScript कैसे यूज़ करना है, तो नॉर्मल यहाँ पे आपको यूज़ करना है ऑन क्लिक, जब यहाँ पे ऑन वाला, राइट, ऑन वाला हम बटन क्लिक करें तब क्या होना है, इवेंट पास करवानी है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्लास नहीं बनाया ना, सॉरी आईडी नहीं बनाई, इसमें आईडी नहीं दी, तो ऑब्वियसली इसमें आईडी दे देंगे। आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आईडी दे दे, यहाँ पे आईडी डाल देंगे बल्ब, ठीक है, बल्ब का आईडी दे देते हैं। और यहाँ पे डाल देंगे कहाँ गया, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रहा। और इसमें हम अभी आगे सिंगल डबल को कोट, तो इन द अंदर सिंगल, तो बल्ब जो है, बल्ब आईडी है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे डॉट लगा देंगे और यहाँ पे सोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, सोर्स। जैसे कि सोर्स में क्या होगा कि सिंगल कोट यूज़ करेंगे अब यहाँ पे, और सोर्स का नाम, मतलब कि पहले मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि हमने दो इमेज पहले से लिए, एक इमेज तो ये लिए, ठीक है, तो एक और इमेज मैंने यहाँ पे बाद में डाउनलोड की, तो वो भी दिखा देते हैं। क्यों दी, क्यों की, क्योंकि यहाँ पे मैं अंदर लाइट नहीं जलाने वाला, मतलब करंट नहीं लगाने वाला इसमें बल्ब में, बट हम यहाँ पे इमेज को पास करेंगे। देखिए एक बल्ब ऑफ का अभी मैंने दिखाया, राइट, वो इमेज, बट ये सेकंड वाला बल्ब ऑन वाला भी इमेज है, यहाँ पे दोनों इमेज आपके पास होने चाहिए, ये इस फाइल के साइड में, यहाँ पे एक फोल्डर में बना लो कैसे भी, बट ये होने चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो बल्ब ऑफ यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं रीनेम करके, यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे पास कर देंगे कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे कोडिंग कहा गया जी। तो ये कौन सा वाला है, ऑन वाला है क्या, राइट, ऑन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पाथ पास कर देंगे ऑन, मतलब इसको ऑन कर देते हैं ऑन, राइट, ये ऑन वाला था शायद, हम एक बार देख लेते हैं ऑन बल्ब ऑन, राइट, ये इसमें पास कर देते हैं, हालांकि मैंने ऑफ वाला कॉपी किया था, लेकिन ये ऑन वाला है बटन, तो वो ठीक है, तो इसलिए है कुछ इस तरह से। डॉट क्या है इसका पाथ, मतलब क्या है वो एक्सटेंशन, GIF है, तो इसको ले लेते हैं, एक बार कंफर्मेशन करें, देख सकते हो आप कि दोनों GIF है या नहीं, तो ये भी GIF फाइल है, ये भी GIF फाइल है, राइट, मतलब इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। अब इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, ये हो चुका
अब यहाँ पे सेकंड चीज़ मतलब कि सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसमें, जो जावास्क्रिप्ट है वो, इसमें हल्का सा क्या चेंज करेंगे कि कंट्रोल सी, और यहाँ पे चेंज करेंगे ऑफ वाले में, जो ऑन है उसके जगह ऑफ कर देंगे, ऑफ, यहाँ पे ऑफ ही था ना, एक बार कंफर्मेशन के लिए देख भी लेते वापस, तो ऑफ, राइट, ऑफ ही है। तो ये हमने पास कर दिया, यहाँ पे ऑन पास करा, यहाँ पे ऑफ पास करा, कंट्रोल एस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब यहाँ पे मैं सी एस एस मतलब सॉरी प्रैक्टिकल इस पर क्लिक करता हूँ, ऑन पे, तो ये ऑन पे ये ऑन हो जाएगा, ऑफ पे ऑफ हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑन ऑफ मतलब कोई करंट नहीं लगा इसमें, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं गया, बट क्या हुआ क्या, जैसे मैं ऑन पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली इमेज दिखाई दे रही है उसी जगह, और ऑफ वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली इमेज दिख रही है, बस यही तो है ऑन ऑफ। क्या उल्लू बनाया है इसी बात पे। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ इस तरह से काम करता है, सिंपल सा एक इमेज लगा दिया, बाकी कुछ नहीं, उस जगह पे इमेज ही चेंज हो रही है, बल्ब ऑन ऑफ नहीं हो रहा। तो सिंपल सा ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सिंपल जावास्क्रिप्ट में इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो बल्ब ऑन ऑफ प्रैक्टिकल। बाकी डिजाइनिंग तो आपको जैसे ही करना है वैसे कर सकते हो, फिलहाल ये जो बटन में लिखना है वो लिख सकते हो। तो ये तो मैंने सिंपल सा इस तरह से आपको दिखा दिया, थोड़ा बहुत डिजाइन करके आपको मैं थंबनेल में दिखा दूंगा, बट फिलहाल हमें प्रैक्टिकल में कुछ इस तरह से कंप्लीट करा है। तो होप्स आज का वीडियो आपको पसंद है, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।